रिकॉर्ड महंगाई, कमजोर रुपया और महंगा गेहूं चावल, ये सब अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था की कड़वी सच्चाई बन गए हैं। बीते कुछ महीनों में सब्जी, दूध, फल, खाने पीने की जरूरी सामानों की कीमत आसमान छूती जा रही है। रुपया ऐतिहासिक गिरावट के साथ पहली बार डॉलर के मुकाबले 82 के नीचे फिसल गया, तो वहीं केंद्रीय पुल में चावल और गेहूं का स्टॉक लगातार कम हो रहा है। इन सब के बीच सरकार भले ही दावा कर रही हो कि देश में खाद्यान्न भंडार की कमी नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की चीजों के लिए जेब पर पड़ते बोझ ने आम आदमी को भी जमीनी हकीकत से रूबरू करवा ही दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में गेहूं और चावल का भंडार लगातार कम हो रहा है। 30 सितंबर 2022 को मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय भंडार में लगभग 232 लाख मीट्रिक टन गेहूं तो 209 लाख मीट्रिक टन चावल है, जबकि इससे पहले 1 सितंबर 2022 तक चावल 289.52 लाख टन तो गेहूं 248.22 लाख टन यानी कुल खाद्यान्न 492.85 लाख टन उपलब्ध था। जनवरी 2022 में केंद्रीय भंडार में 551.66 लाख टन गेहूं चावल था और अगर पिछले साल से तुलना करें तो पिछले 1 सितंबर 2021 को केंद्रीय भंडार में 786 लाख टन उपलब्ध था, जिसमें चावल की मात्रा 268 लाख टन के करीब थी तो गेहूं की 517 लाख टन के आसपास थी। दरअसल इस साल देश में गेहूं का संकट पहले देखने को मिला। जहां एक ओर गेहूं का उत्पादन कम हो रहा था, वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बने हालातों का फायदा लेने के लिए भारत की ओर से गेहूं का जमकर निर्यात किया जा रहा था। हालांकि बाद में सरकार को गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगानी पड़ी। भारत ने 13 मई को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के गेहूं के निर्यात को फ्री से प्रोहिबिटेड श्रेणी में डाल दिया, लेकिन तब तक मामला हाथ से काफी निकल चुका था। इस साल सरकार की गेहूं की खरीद 15 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। आधिकारिक डेटा के मुताबिक 8 मई तक 1 किलो आटे की कीमत 33 रुपए थी, जो बीते साल से तुलना करें तो यह कीमत 13% ज्यादा है। इस मामले में खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा था कि कृषि मंत्रालय ने साल 2021-22 में गेहूं की पैदावार का अनुमान 11.1 करोड़ टन से घटाकर 10.5 करोड़ टन कर दिया है। सुधांशु पांडे के मुताबिक कम पैदावार और निजी एक्सपोर्ट्स की बेहतर कीमत पर खरीद के कारण साल 2022-23 व्यावसायिक साल में गेहूं की खरीद सरकार की ओर से 55% कम की गई है और सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि निर्यात पर रोक इसलिए लगाई गई ताकि देश में गेहूं की कमी न हो पाए। सरकार का कहना है कि गेहूं की पैदावार में कमी का बहुत असर नहीं होगा, क्योंकि गेहूं का स्टॉक सरकार के पास उपलब्ध है। गेहूं की खरीद में जो कमी आई उसका असर आटे की बढ़ती कीमतों के जरिए तो नजर आ ही रहा है। इसके साथ ही सरकार की पीएम गरीब कल्याण योजना पर भी इसका असर दिखाई दिया। इस योजना के तहत सरकार 5 किलो मुफ्त अनाज गरीबों को दे रही है। अब ये योजना दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई और हाल ही में सरकार ने इस योजना में गेहूं की जगह चावल जोड़ दिया, यानी गेहूं की जगह चावल को रख दिया गया। हालांकि सरकार ने इस कदम के पीछे तर्क दिया कि वो गरीबों में पोषण युक्त चावल के इस्तेमाल पर जोर देना चाहती है, लेकिन बाजार में लगातार गेहूं और आटे का दाम बढ़ रहा है, जो इस पूरे मामले की सच्चाई बताने के लिए काफी है। गौरतलब है कि निजी व्यापारियों के हाथ खाद्यान्न की खरीद लगना ठीक वैसा ही है जैसा सरकार एक तरह से कृषि कानून लाकर एक वेलफेयर स्टेट में निजीकरण को बढ़ावा दे रही थी। विडंबना ये है कि खरीद का निजीकरण ठीक उसी वक्त किया जा रहा है जब इस साल गेहूं की खरीद 56% तक गिर चुकी है और खाद्य भंडार रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में इस बात की बड़ी संभावना है कि पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा को बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसका सीधा असर समाज में हाशिए पर खड़े लोगों की जेब पर देखने को मिलेगा, जो चुनाव के समय पार्टियों के लिए महज वोट से बढ़कर कुछ नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।